नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम एक ऐसा पास्ता बनाएंगे जो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये एक सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन रेसिपी है जिसको कि आप स्पेशल ओकेजन से बनाएं। तो सबसे पहले मैंने अपना पास्ता मेजर कर लिया है। ये कप में जब भी मैं पास्ता मेजर करती हूँ तो दो लोगों की फुल सर्विंग ईजिली कुक हो जाती है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना पास्ता मेजर कर लीजिए और उसके बाद एक बड़े से पॉट में पानी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर उबलने दीजिए और उसके बाद अपना पास्ता उसमें डाल दीजिए। तो जब तक पास्ता कुक हो रहा है, हम नज़र डाल लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स पर। तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स हम पास्ता में डालेंगे आज। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो मुख्य इसकी सामग्री है, वो है प्याज। जी हाँ, प्याज की जो एक हल्की सी मिठास होती है वो पास्ते को बहुत टेस्टी बना देती है। साथ ही में मैंने लिया है एस्पैरगस। अगर आपके पास एस्पैरगस नहीं है तो आप फ्रेंच बीन्स भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हालापिनोज़ या चिली लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है, थोड़े से अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ली है और इन सबको स्लाइसिस में काट कर प्रिपेयर कर लिया है मैंने। और अब मैं एक पैन लेकर सबसे पहले उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बटर और उसी के बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब यहाँ पर जो जैतून का तेल है, यानी कि ऑलिव ऑयल है, वो हमारे मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स हो रहा है और मक्खन भी लगभग पिघल गया है। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद ज़्यादा मक्खन डाल दिया है, तो मैं इसे थोड़ा सा अलग कर दूँगी क्योंकि अभी पूरी तरह से पिघला नहीं है। तो मैंने एक फ़ोर्क लिया और उसे निकाल दिया। वैसे सच बताऊँ तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। इतना सा मक्खन ज़्यादा भी रह जाएगा तो आपकी डिश में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ेंगी बस। अब देखिए, मीनवाइल इस स्टेज पर हमारा पास्ता कुक हो चुका है। इसको ज़्यादा कुक बिल्कुल भी मत करिएगा, एकदम परफेक्ट कुक होना चाहिए। और इसको अब छान कर आप अलग कर दीजिए। और अब हम अपने ये जो ऑयल और मक्खन का मिक्सचर है, इसको फ्लेवर्स देंगे अपने इंग्रेडिएंट्स से, जैसे कि प्याज। और वीडियो में आप देखेंगे कि मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल रही हूँ। तो ये जो प्याज होता है ना, जिसको हमने स्लाइसेस में काटा है, जब ये तेल और मक्खन के साथ हल्का सा भुनता है तो ये ऑयल में एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारा फ्लेवर छोड़ता है, जिसके कारण कि हमारा ऑयल और मक्खन का मिश्रण और भी टेस्टी हो जाता है। तो इसको हल्का सा हमने एक आध मिनट के लिए सॉटे किया है बस, और उसके बाद मैंने बाकी के सारे इन्ग्रीडियंट्स एक साथ डाल दिए हैं। तो मैंने थोड़ा सा प्याज ज़्यादा काट लिया था तो मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा कम ही डाला है। मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि प्याज पास्ते में बहुत सही जाता है। अब देखिए, इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक रहे हैं मक्खन के साथ और तेल के साथ, लाजवाब दिख रहे हैं। अब देखिए, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी तरह से ऑयल में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम कुकिंग को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो कि हमने फ्रेशली कूटी है। तो इसको तुरंत ही कूट कर डालिए तो बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही शार्प इसका फ्लेवर रहता है। अगर आप पहले से रखी हुई मिर्च को यूज़ करते हैं तो उसकी महक हल्की सी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। बट एनीवे, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है आप उससे पास्ता बनाएं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा बनेगा। तो अब देखिए, ये मुझे सारी सब्जियां अच्छे से पकी हुई लग रही हैं और अब इसमें मैं जल्दी जल्दी ये लेमन जेस्ट डाल दूंगी, जो कि नींबू का ऊपरी छिलका होता है, सिर्फ हरा या पीला छिलका, जिस कलर का आपका नींबू है उसके हिसाब से। और ये जो है एक
बहुत ही प्यारा जायका देता है आपके पास्ता को, आपकी डिश को बहुत ही ताज़गी भरा, और इसका टेस्ट 100 times बेटर हो जाता है मेरी नज़र में। तो इसे स्किप ना करें और इसके बाद अपना पास्ता इसमें डालें। और देखिए मेरा पास्ता कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपका नहीं है, एकदम खिला खिला बना है। इसी तरह से हमें पास्ता को कुक करना है। ओवर कुक इसे बिल्कुल ना करें बॉइलिंग स्टेज में, क्योंकि अगर आप बॉइलिंग स्टेज में ही इसको ओवर कुक कर देंगे ना, तो जब आप इसे मिक्स करेंगे अपने पास्ता इन्ग्रीडियंट्स के साथ, तो ये टूटने लगेगा, ये बहुत ही नाजुक हो जाएगा और इसको इसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, इसको चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी और आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसलिए हल्का सा इसको कम ही कुक करिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये कुक हो ही जाएगा दोबारा से। और अब डाल देती हूँ मैं इसमें इटालियन सीजनिंग, जो कि मेरी फेवरेट है, ऑरिगैनोस। ऑरिगैनो की जो पत्तियाँ होती हैं, जो सूखी पत्तियों का इसका पाउडर होता है, ये सभी तरह के स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो एक ऑरिगैनो का सीजनिंग का डब्बा आप अपने घर में हमेशा रखें, ये आपके खाने को और भी महकदार और बहुत ही सुंदर बना देगा। और अब देखिए मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जा रहा है इसमें, जो कि है पारमेजान चीज़। सो जो पारमेजान चीज़ होती है, एक हार्ड चीज़ होती है, बहुत ही कड़क होती है और ये काफ़ी एज की जाती है। इसको करीबन कुछ कुछ कंपनियाँ इसको 2-2 साल भी एज करती हैं, कुछ कुछ 4-4 साल भी एज करती हैं। तो आपके पास जैसे भी पारमेजान चीज़ उपलब्ध है, आप उसे लें। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पारमेजान चीज़ लें। और ये देखिए, ये चीज़ को जब मैंने मिक्स कर दिया है, तो पूरा का पूरा पास्ता इससे अच्छी तरह से कोट हो चुका है। प्याज से लेकर हमारी मिर्ची से लेकर पास्ता से लेकर सब कुछ चीज़ी चीज़ी हो गया है, और इतना हैवी भी नहीं लगता। ये चीज़ बहुत लाइट होती है खाने में और इसके फ्लेवर्स बहुत ही प्यारे आते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पेट में जाकर ये चिपक रही है या आपने बहुत ज़्यादा इसको डाल दिया है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है, तो इसे ज़रूर डालें। जब भी हम खाना अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं, तो हम उसे थोड़ा सा शाही टच देना चाहते हैं, क्योंकि मेहमानों को जायके के साथ थोड़ी रिचनेस भी हम सर्व करें तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हैवी व्हिपिंग क्रीम। आप घर में बनी ताज़ी मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास सावर क्रीम हो और अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़रा सी बिल्कुल हैवी व्हिपिंग क्रीम डाली है। इससे क्या होगा ना कि जो पास्ता है वो ऑल टुगेदर आपका एक बहुत अच्छे यूनिफॉर्म टेक्सचर में आ जाएगा। तो जब ये जो क्रीम होती है, जब वो चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी, तो एक बहुत ही प्यारा टेक्सचर देगी आपकी डिश को, जो कि उसको पूरा एक डिश को पूरा एक करने में बहुत मददगार होगा। तो इस स्टेप को स्किप बिल्कुल ना करें, ये दी मस्ट स्टेप है अगर आप इसे सेलिब्रेशन पास्ता या फिर पार्टी पास्ता बनाना चाहते हैं। तो कोई भी अच्छी डिश तभी होती है जब उसमें सारे फ्लेवर्स का एक बैलेंस हो। तो इस पास्ते के फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैं हल्का सा टोमेटो केचप इसमें डालूंगी, और जब ये टोमेटो केचप इसमें जाएगा, तो ये हल्का सा अपना टैंगीनेस, एक मिठास इस पास्ते को देगा, जो कि इसके सारे जो तीखे तीखे फ्लेवर्स हैं उसको बैलेंस कर देगा। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मुझे टोमेटो केचप पास्ते में काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली जब ये चीज़ वगैरह के साथ मिक्स होता है, तो ये अलग ही इसका फ्लेवर आता है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा भी ना डालें, वरना सिर्फ टमाटर केचप ही पूरी डिश को ओवर पावर कर जाएगा। बिल्कुल ज़रा सा डालें और ज़रा से में ही पूरा काम हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी खाना बनाएं तो पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म टेस्ट आपके मुँह में आए, ये नहीं कि हर बाइट में एक अलग टेस्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और अब देखिए, ये पास्ता मैंने निकाल कर एक वाइट प्लेट में सर्व कर दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें हल्की सी ऊपर से पारमेजान चीज़ स्प्रिंकल करें और इसे सर्व करें एकदम गर्मा गर्म। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पास्ता ठंडा भी खाया जा सकता है, तो गर्म हो या ठंडा हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, पास्ते का टेस्ट कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो
देखिए ये गॉर्जियस पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है। और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने किचन में ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।